एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेशन में। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत जोरों शोर से कर रहे होंगे। हालांकि कुछ बोलते हैं ना, मैल प्रैक्टिस बोल सकते हैं या चीटिंग बोल सकते हैं, मास चीटिंग बोल सकते हैं, ऐसी खबरें आई थी, ऐसे वीडियोज भी वायरल हुए थे। तो बच्चे आप अपना कॉन्सेंट्रेशन उस पर मत दीजिए, बिल्कुल भी मत दीजिए, क्योंकि देखो अगर वो वीडियो आप तक पहुंच सकता है तो ये बहुत ही कॉमन सी चीज है कि वो वीडियो जो बोर्ड के जो अध्यक्ष है, जो बोर्ड के जो साइबर सेल वाले होते हैं, जिनकी एकदम प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है इन सब चीजों से डील करने की, यार उनके हाथ तो कब तक पहुंच चुका होगा। और आप इन सब चीजों में पढ़िए भी मत, मैं आपको यही बोलूंगा। हालांकि ये मेंटली बोलते ना, अपने आपको बताना बहुत मुश्किल होता है कि यार इतने लोग कॉपी कर रहे हैं तो मेरे को कुछ मिल नहीं रहा है, हमारे कॉलेज में तो हिलने नहीं दिया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि भाई ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई बाय डिफॉल्ट होने वाली है, या फिर उनके लिए कुछ ना कुछ तो अल्टरनेटिव्स दिया जाएगा। तो आप उसकी टेंशन छोड़ दीजिए, ठीक है। आप अपने जो आने वाले पेपर्स उस पर फोकस कीजिए और दिन रात मेहनत कीजिए यार। स्टार्ट मतलब बोलते ना, ये 10-12 दिन आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, याद रखो। क्योंकि जो कंटेंट आप यहाँ पे 10-12 दिन में रिवाइज करेंगे वही आपको आगे एग्जाम में लिखने के लिए मिलेगा। तो अब मेरा क्वेश्चन जो है ये है कि केमिस्ट्री में मैंने ऑलरेडी 8 चैप्टर का बहुत ही तेजी के साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसका मैंने डिस्कशन किया था, बट बचे हुए अभी भी कम से कम 8 चैप्टर बोल सकते हैं कि बचा हुआ है। तो उन 8 चैप्टर का एग्जैक्टली आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उन 8 चैप्टर को मैं रिवाइज कर रहा हूं या फिर जैसे मैंने आपको पिछले 8 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लिखा के दिए हैं वैसे ही मैं आने वाले भी जो 8 चैप्टर है उसका भी सेशन में वैसे ही कंटिन्यू करूं, ताकि आपको पता चले कि एक आंसर कैसे लिखा जाता है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे सिर्फ ये बताइए कि आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज अ मतलब मैं केमिस्ट्री टीचर हूं, अब पूरे साल भर मैंने आपके साथ जुड़ा था, पूरे साल भर हम मिलकर पढ़ाई कर रहे थे, मिलकर हम सीख रहे थे, तो अब ये लास्ट मिनट पर आप मुझसे क्या चाहते हो। देखो पूरा का पूरा जो कंटेंट है, मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं कि 11 एक ही दिन की छुट्टी है, और अगर बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं करेगा तो वो कितना भी अच्छा टीचर पढ़ा ले उसका कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए 11 को मैं ये ट्राई करूंगा कि कोई सेशन बहुत बड़ा ना रखूं, अगर थोड़े बहुत कोई सेशन अगर रखना हुआ सिर्फ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स का तो दैट इज डिफरेंट केस, पर कोई बड़ा सेशन जैसे मैराथन जैसी चीजें मैं नहीं रखना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप उसमें बिजी रहेंगे तो बच्चे आप जो आपका वीक पॉइंट है जो आप रिवाइज करना चाहते हो शायद वो आपका मिस हो जाएगा अपने अपने टर्म में, क्योंकि हर बच्चा एक अपने टर्म में रिवाइज करता है कि भाई ठीक है मेरा पैटर्न ये रिवाइज करने का, जब मैं एग्जाम के पहले बैठता हूं तो मैं ऐसे रिवाइज करता हूं, तो वो चीजें कहीं ना कहीं मिसिंग होंगी जो आपको 12 तारीख को प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। तो इसलिए मैं 11 को कोई सेशन जैसी चीज नहीं रखूंगा, लेकिन हाँ 10 तारीख को मेरा प्लान है कि एक अच्छा सा सेशन रखा जाए 2-3 घंटे का, 4 घंटे का, जिसमें मैं बचे हुए 8 चैप्टर के बारे में कुछ समरी दूं या फिर चैप्टर पढ़ा दूं दोबारा से, एक बार क्विक रिवीजन करा दूं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको मैं समझा दूं, क्या आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बस मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, चैनल को बच्चे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे बहुत अमेजिंग और कंटेंट आपको अभी एमएससी सीटी के लिए मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि यार लेक्चर खत्म हो गया है, एग्जाम हो गया हमारे, तो चलो अब इसको अनसब्सक्राइब कर देते हैं। ये जो चैनल है वो एमएससी सीटी तक आपके साथ रहेगा, और आप अपने जूनियर्स को भी बता सकते हैं कि यार एक केमिस्ट्री के लिए डेडिकेटेड चैनल है जो लगातार आपके लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बच्चे, बाय बाय एवरीवन।